हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार, मेरे यूट्यूब चैनल एमएलएस के में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपसे एम्स दिल्ली के जो ओपीडी डॉक्टर लिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन जो है उनका लिस्ट आपसे शेयर करूंगी। और आप कैसे दिल्ली एम्स ओपीडी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ पर अपॉइंटमेंट पा सकते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो चलिए जानते हैं दिल्ली एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, खासकर आपका लीवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो या सर्जरी हो, या आप इस डिपार्टमेंट में जाके करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपसे शेयर करूंगी, तो अपॉइंटमेंट कैसे आप ले सकते हैं डॉक्टर के। पहले चलिए लिस्ट देखते हैं डॉक्टर के, कौन दिन में आप कौन डॉक्टर को दिखा सकते हैं। देखिए इस लिस्ट में दिया गया है दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स के बारे में आप लोगों को पता ही है, दिल्ली एम्स का हर डिपार्टमेंट अच्छा है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो सर्जन हैं, देखिए मंडे को आप डॉक्टर सुजय पाल को दिखा सकते हैं, डॉक्टर निहार रंजन दास को दिखा सकते हैं, डॉक्टर राजेश पनवर को दिखा सकते हैं। वेडनेसडे को डॉक्टर निहार रंजन दास डॉक्टर सौरभ गलोधा को दिखा सकते हैं। थर्सडे को डॉक्टर कैलाश चंद कुरीदा को दिखा सकते हैं। फ्राइडे को डॉक्टर सुजय पाल, डॉक्टर राजेश पनवर और डॉक्टर आनंद नारायण सिंह को दिखा सकते हैं। सैटरडे को डॉक्टर सूरज पाल, डॉक्टर कैलाश चंद कुरीदा को दिखा सकते हैं। तो ये थे एम्स दिल्ली ओपीडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जो है डॉक्टर लिस्ट। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कैसे दिल्ली एम्स के जो जीआई डिपार्टमेंट या सर्जरी डिपार्टमेंट है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको रेफरल लेटर चाहिए होती है। तो जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, जिस भी हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं, वहाँ सबको रेफरल लेटर लेके जाना है एम्स दिल्ली, तभी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। ओपीडी जो टाइमिंग है डॉक्टर विजिट का, 9 से 1 बजे तक है दोपहर को, सुबह 9 से 1 बजे तक दोपहर तक है। और रजिस्ट्रेशन टाइमिंग है 8:30 से 10:30 बजे मॉर्निंग में। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं दिल्ली एम्स में, तो ORS पोर्टल है जो सरकारी हॉस्पिटल का है इंडिया का, जो www.ors.gov.in में जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए आप लाइन में खड़े होकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। RAKOPD जो डिपार्टमेंट में है वहाँ पर जाके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेफरल लेटर लाना जरूरी है। तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आप जाकर देख सकते हैं।